नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि मीशो पे आप अपने प्रोडक्ट को कैसे लिस्ट कर सकते हैं, मीशो पे अपना अकाउंट कैसे बना सकते हैं सेलिंग के लिए, और भी बहुत कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन इसमें मैंने वो सारी जानकारी सम्मिलित करने की कोशिश की है जो कि मैंने पर्सनली फेस किया, और आप को प्रॉब्लम्स ना हो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं कि मैं मीशो के पैनल में हूँ, सेलिंग पैनल में हूँ। कुछ इस तरह का इंटरफेस है। साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप स्टार्टिंग करने जा रहे हैं, ई कॉमर्स की वेबसाइट पे कुछ प्रोडक्ट सेल करने जा रहे हैं, तो कभी भी भूल के भी मीशो से शुरुआत मत कीजिएगा। अमेजन, फ्लिपकार्ट और कोई भी प्लेटफॉर्म सेलेक्ट कर लीजिएगा, पर मीशो से शुरुआत मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने इससे शुरुआत की तो आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाएंगे और हो सकता है कि आप इस बिजनेस को, इस आइडिया को यहीं पर पॉज कर दें। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। खैर, आगे चलते हैं। हम बात करते हैं कि आप इसमें अकाउंट कैसे बना सकते हैं। इसके लिए आपको जीएसटी नंबर और आपके पास करेंट बैंक अकाउंट होना चाहिए। लेकिन एक इसमें ट्रिक है, अगर आपके पास जीएसटी नंबर है और करेंट बैंक अकाउंट नहीं भी है, तो भी आप सेविंग अकाउंट के बिहाफ पे भी इसमें अकाउंट खोल सकते हैं। यानी एक सेविंग बैंक अकाउंट हो आपके नाम और आपकी पैन कार्ड से जीएसटी हो, तो आपका काम चल सकता है। अगर आप इसके बारे में ज़्यादा डिटेल जानना चाहते हैं कि कैसे ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने तो लिख रखा है जीएसटी प्लस करेंट बैंक अकाउंट, तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उसके लिए एडिशनल तरीका बता दूंगा। खैर, यहाँ पे बात करेंगे। अकाउंट बन जाने के बाद से आपको मेल आएगा कि आपका अकाउंट सक्सेसफुली बन गया है, आप प्रोडक्ट की लिस्टिंग करें। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, होम पे मैं हूँ। अब मुझे अगर लिस्टिंग करनी है तो कैटलाग अपलोड पर मुझे क्लिक करना होगा। यहाँ पर दो तरीका होता है इनका लिस्टिंग करने का, एक होता है बल्क, दूसरा होता है सिंगल। बल्क में यानी आप बहुत सारे प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर सकते हैं, सिंगल में वन बाय वन। तो आपको यहाँ पे, मैं यहाँ पे सिंगल आपको बताता हूँ। यहाँ पे सिंगल पे आप क्लिक करिए। आपको जो कुछ सेल करना है दोस्तों, अगर आपको उसका नहीं पता है कि किस कैटेगरी में आता है, तो आप डायरेक्ट उस प्रोडक्ट का नाम लिख सकते हैं। जैसे इनके पास बहुत लंबी चौड़ी कैटेगरी है, इतनी लंबी चौड़ी कैटेगरी है कि उतना लंबा चौड़ा शायद अमेजोन फ्लिपकार्ट पर भी नहीं है। तो यहाँ पे मैं सिंपल, मुझे अभी क्या बेचना है, कई स्टेट में उसको विली कहा जाता है, हमारे यहाँ उसको हंसिया कहा जाता है, होता है ना सब्जी काटने के लिए हंसिया, कई जगह पे विली बोला जाता है, पहसूल बोला जाता है। तो देखिए, विली करके इनके पास में कुछ नहीं है और शायद हंसिया भी नहीं होगा, तो मुझे यहाँ पर नाइफ़ लिखना होगा। जाहिर सी बात है, सब्ज़ी वगैरह काटने के काम में आता है, तो मैं यहाँ पर नाइफ ले लूँगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे नाइफ आ गया, ऑटोमेटिक ले लिया, सारी कैटेगरी इसने ले ली। ठीक है, अब यहाँ पे उस प्रोडक्ट का पिक्चर आपको ऐड करना है। क्लियर यहाँ तक? तो आपके पास सिंगल हंसिया है, अगर हंसिया के अंदर कई वैरायटी है तो आप मल्टीपल प्रोडक्ट की एंट्री कर सकते हैं। मेरे पास सिंगल हंसिया है और मैंने खुद ही पिक्चर खींची है ओरिजिनल, तो मैं उसे यहाँ पर ऐड करूँगा और कंटिन्यू करूँगा। दोस्तों देखिए, जैसे ही आपने उसको ऐड किया, अब आप अपने नए पैनल में आ गए। यहाँ पे देखिए, कॉपी इनपुट डिटेल फॉर ऑल प्रोडक्ट, यानी एक साथ आप 9 प्रोडक्ट में एंट्री कर सकते हैं। कहने का मतलब है, मान लीजिए मेरे पास हसिया है 5 तरीके के, कुछ आयरन बेस पे है, कुछ वुडन बेस पे है, कुछ है, कुछ प्लाईवुड पे है, तो मैं एक साथ उसकी एंट्री कर दूँ, यहाँ प्रोडक्ट ऐड कर दूँ और उनके साइज़ को यहाँ डिफाइन कर दूँ वन बाई वन, वो प्राइस वगैरह अलग अलग डिफाइन कर सकता हूँ। लेकिन मेरे पास सिंगल प्रोडक्ट है तो मैं यहाँ पर मल्टीपल नहीं करूँगा, अगर मल्टीपल होता तो यहाँ पर मैं ऐड कर देता। तो ये जो कॉपी इनपुट है, इसका मतलब हुआ कि एक ही जानकारी सभी पर कॉपी हो जाएगी, तो मेरे पास मुझे ज़रूरत ही नहीं है, तो मैं इसे हटा देता हूँ। उसके बाद आप उस प्रोडक्ट के 4 पिक्चर ऐड कर सकते हैं, तो मैं एक आध पिक्चर और ऐड कर लेता हूँ। मैक्सिमम 4, एक प्रोडक्ट के आप 4 पिक्चर ऐड कर सकते हैं, तो मैं 2 पिक्चर और ऐड कर लेता हूँ, एक पिक्चर और कर लेता हूँ, है तो यूज़ करने में कोई हर्ज नहीं है। इनका जो पैनल है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत ही बेकार कहा जाता है वो है। कारण क्या है कि इनके पास यूजर बहुत सारे हैं, इनका बिजनेस भी दबा के चल रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों वे थोड़े पैसे नहीं खर्च कर रहे हैं अपने इस लिस्टिंग वगैरह के ऑटोमेटेड करने के लिए। सब कुछ आपको इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। अगर आपको कुछ चेंज भी करना है लिस्टिंग के में, तो आपको एक टिकट रेज करना होगा, कस्टमर केयर को फ़ोन करना होगा, मतलब कंप्लेन करना होगा, तब वो चेंज करेंगे। खैर, यहाँ पर 3 पिक्चर ऐड कर लिए। यहाँ पे आप वो प्राइस लिखेंगे जिस प्राइस में आप सेल करना चाहते हैं। तो मान लीजिए मैं इसे 499 499 रुपये में सेल करना चाहता हूँ,
इसकी एमआरपी दोस्तों जो है वो मान लीजिए 699 रुपये है। इस पर जो जीएसटी लगेगा वो 12% लगेगा, मुझे पता है, तो 12% जीएसटी मैं ऐड कर लेता हूँ। इसका जो एसएसएन कोड है वो आपका आप पता होना चाहिए, अदरवाइज़ यहाँ पे ऑप्शन भी आ जाता है। प्रोडक्ट का जो वेट है वो 250 ग्राम है, ये बना हुआ है इंडिया का। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन इंडिया डाल लो पहले, हाँ यहाँ पे डिस्क्रिप्शन अगर आपने बना रखा है तो, मैंने बना रखा है तो मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ, मैंने ऑलरेडी बना रखा था तो कॉपी करके आप उसे पेस्ट कर दीजिए। साइज के अंदर आपको मिल जाएगा फ्री साइज, क्योंकि फ्री साइज हर प्रोडक्ट में मिलेगा यहाँ पे, किचन आइटम अगर आप बेचेंगे तो। खैर मैं किचन ही सेल कर रहा हूँ तो उसके बारे में बता पा रहा हूँ। इन्वेंट्री में आपके पास कितने पीसेस हैं तो मैं यहाँ पे अभी एक पीस डाल देता हूँ, या फिर इसको मैं टू पीसेस कर देता हूँ। अगर आपके पास कोई एसक्यू आईडी आपने बना रखा है तो, मैंने बना रखा है तो मैं डाल देता हूँ, जिससे कि आप अपना लेजर वगैरह मेंटेन करते हैं। एसक्यू बन जाने के बाद से आप अपना अपनी एंट्री को डिफाइन करने के लिए किया जाता है, बनाना चाहे बना लें वरना छोड़ दें। अगर किसी ब्रांड का प्रोडक्ट है तो ब्रांड का नाम डाल लीजिए, नहीं है तो यहाँ पे नॉन ब्रांड का ऑप्शन आ जाएगा। देखिए यहाँ पे नॉन ब्रांड आया, नहीं मिला कोई बात नहीं, अदर्स कर दीजिए तो नॉन ब्रांड हो गया। कलर ब्लैक है, अब जाहिर सी बात है ब्लैक ही होगा, एक पैक में एक ही पीस है। इसकी जो चौड़ाई है दोस्तों, अब यहाँ पे बड़ा कॉम्प्लिकेशन है दोस्तों, 1.05 1.1, ये क्या है मतलब समझ में नहीं आता है ये क्या है, इन्होंने ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है तो मुझे नहीं पता, मैं यहाँ पे कुछ भी एक सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये बहुत दिक्कत, देखिए हाइट क्या है, 21 यूनिट में पूछ रहे हैं, मतलब कि मान लीजिए मैंने इसको भी एक कर दिया है, यहाँ देखिए अब क्या है, लेंथ हाई सेंटीमीटर इंच कुछ है ही नहीं है, छोड़िए एक ऐसा ही दिक्कत है। पैकेज का यूनिट क्या है, किसमें आप काउंट कर रहे हैं सेंटीमीटर में, पैकिंग का वेट कितना है, अब बताइए वेट में मैं क्या लिखूँ। मान लीजिए 250 ग्राम का है तो मुझे वहाँ पर क्या, यहाँ पर 0.1 0.2, इसका क्या मतलब होगा, मुझे समझ में नहीं आया। मैंने इतनी लिस्टिंग कर डाली, समझ में मेरे को नहीं आया, और ना इनके किसी वीडियो ट्यूटोरियल में इसको सही से समझाया गया है, उल्टा पुल्टा इनका जो सेशन चलता है ट्रेनिंग देते हैं वो भी बेमतलब का है। एक घंटे के ट्रेनिंग में 5 मिनट में आप निकल जाएंगे, क्योंकि वो बिल्कुल यूजलेस होता है। खैर यहाँ पे फिर वही चीज़ पूछ रहा है, प्रोडक्ट का चौड़ाई कितनी है, प्रोडक्ट की हाइट कितनी है, कितनी बार मैं एक ही प्रोडक्ट की हाइट और वो बताऊँ। और ये देखिए सब मैंडेटरी है, मतलब कंपलसरी है, यहाँ पे स्टार बना हुआ है, इसको फिलअप किए बिना आप आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे। अब एक बात बताइए, प्रोडक्ट का वेट यहाँ भी बताऊँ, पैकेज का वेट यहाँ बताऊँ, लेकिन मैं बताऊँ तब ना जब मुझे डिफाइन करने का मौका मिले। 1.5 क्या है, सेंटीमीटर है, इंच है, क्या है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है यहाँ पे मैं सेंटीमीटर डाल देता हूँ, वेट पता नहीं क्या है, ये देखिए ठीक है ना, ये मतलब ये वाला जो पैनल है समझ में नहीं आएगा। चलिए यहाँ पे टाइप में आ जाइए, लास्ट में आ चुके हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक नाइफ शार्पनर। अब देखिए वहाँ पे इलेक्ट्रिक नाइफ नाइफ शार्पनर ले लिया इसने, वो चाकू को तेज करने वाला जो आता है ना वो शार्पनर ले लिया, ऐसा क्यों लिया होगा। देखिए यहाँ पे यहाँ एक ही ऑप्शन ही है, अच्छा घबराइए मत, अब आपको लग रहा होगा कि मैं इसको बैक करूँगा फिर से करूँगा, ऐसा कुछ मत, कोई चिंता की बात नहीं है, यही करेंगे। अब आपको बस यहाँ पे सब फिलअप कर दिया आपने, बस यहाँ पे सबमिट कर दीजिए, ठीक है, अब वो जाने उनका काम जाने, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ ये लिस्टिंग अप्रूव भी हो जाएगी, तो दिक्कत नहीं है। अब एक बात और बता दूँ, ये देखिए यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें लाइव हैं, कुछ प्रोसेस में है, इसमें आप ये मत सोचिए कि आधे घंटे एक घंटे 24 घंटे में अप्रूव होगा, 2 दिन 4 दिन 6 दिन 10 दिन लग सकता है। कुछ कुछ लिस्टिंग मेरी 10 10 दिन से पेंडिंग पड़ी हुई है, ना एरर आ रहा है ना कुछ, इन प्रोसेस दिखा रहा है, कुछ लाइव हो गई है, तो आज करिए उसके बाद से भगवान भरोसे रहे कब ये लाइव करेंगे ये जाने। उसके बाद मान लीजिए अगर आपने कोई लिस्टिंग की है और इसमें आप कुछ चेंज करना चाहते हैं, मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल मैं किसी की प्राइस बढ़ाना चाहता हूँ, किसी की घटाना चाहता हूँ, कोई पिक्चर ऐड करना चाहता हूँ, कुछ भी करना चाहता हूँ, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। हर काम के लिए आपको सपोर्ट में आना होगा, ये देखिए हर काम के लिए आपको सपोर्ट में आना होगा, और यहाँ आके आपको एक टिकट रेज करना होगा, मतलब कंप्लेन करना होगा, रिक्वेस्ट करना होगा। अब देखिए नेट चल रहा है लेकिन पता नहीं क्यों पैनल में नहीं खुल रहा। खैर हर काम के लिए आपको टिकट रेज करना होगा, तब जाके आप इस पर कुछ भी चेंजेस करवा सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, अगर शुरुआत आप करने जा रहे हैं तो अमेजोन फ्लिपकार्ट और या किसी और प्लेटफॉर्म से कीजिए, इससे कभी मत कीजिए। हालांकि इनके पास यूजर बेस है पर इनके पास जो फैसिलिटीज़ हैं
सेलर के अकॉर्डिंग वो बिल्कुल बेकार है, तो शुरुआत मत कीजिए इससे, किसी और पे लिस्टिंग वगैरह कीजिए, उसके बाद इसको दूसरे तीसरे नंबर पर रखिए। तो कुछ इस तरह से दोस्तों आप लिस्टिंग कर सकते हैं और इंतज़ार करने के बाद से आपको अप्रूवल मिल जाएगा। अगर कुछ एरर होगा तो आपको एक एरर का मैसेज भी आ जाएगा, आप उसको सुधार करके सबमिट करिए, ठीक है ना। तो इस तरह से लिस्टिंग कर सकते हैं, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करिएगा, कुछ कॉम्प्लिकेशन हो, कुछ कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करिएगा। मिलूँगा अगले वीडियो में कुछ और जानकारियों के साथ, तब तक देखिए दोस्तों 10 मिनट हो चुका है, अब चलते हैं, बाय बाय।